अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दराज का शॉपिंग हॉल, जो कि मैंने 11 के नाते से शॉपिंग की थी। तो अनपैकिंग करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो ये है परफेक्ट आईब्रो पेंसिल। ये आईब्रोज़ के लिए मैंने मंगवाई थी, जिस मैंने सेलर से मंगवाई है वो है होल सेल सेंटर, और ये 100 रुपीज़ में मुझे आई थी विदाउट डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। तो ये इसके एक तरफ जो है ये डार्क ब्राउन कलर में थी, इसके एक तरफ जो है वो आईब्रोज को फिल करने के लिए है, ठीक है, पिगमेंट है वहाँ पर, और दूसरी तरफ जो है ना वो स्पूली है जिसे आप ब्रश करके आईब्रोज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सील पैक थी और यूज प्रोडक्ट नहीं आया था मुझे, बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट आया था जैसे मैंने ऑर्डर किया था वैसे, ठीक है। तो इस पर हम सेकेंड जो है वो ऑर्डर उसको ओपन करते हैं। दराज के जो है ना सारे ऑर्डर्स अलग अलग आपको रिसीव होते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सेलर्स होते हैं उनके। तो सेकंड नंबर पे जो है ये ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, इसमें जो है ये 5 मिनी ब्यूटी ब्लेंडर्स जो हैं वो मुझे आए थे। ये मैंने मंगवाए थे CVP कॉस्मेटिक्स सेलर से, और ये मुझे आए थे 189 रुपीज़ के विदाउट डिलीवरी, ठीक है। ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स के, जो कि आईज़ पे कंसीलर को ना ब्लेंड करने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि आप जब बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हो तो आईज़ के कॉर्नर पर इतना से ब्लेंड नहीं करता कंसीलर को, तो इसलिए मैंने ये मंगवाए थे। उसके बाद जो है वो ये पैकेज है, इसमें जो है ना वो बर्थडे के लिए पूरा एक सेट था, मिनी सेट था, उसमें बैलून से शाइनिंग थी और हैप्पी बर्थडे के अल्फाबेट्स वाले कार्ड थे, ठीक है। तो ये पिंक एंड सिल्वर डेकोरेशन थीम वाली बर्थडे था, ये मुझे आया था 375 रुपीज़ का विदाउट डिलीवरी, और मैंने मंगवाया था द क्रिएटर्स सेलर से, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक था, आपको इतने अमाउंट में जो है वो एक मिनी सा बर्थडे का सेटअप मिल रहा है, उसको आप इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हो और घर के अंदर एक मिनी बर्थडे जो है उसकी सेलिब्रेशन कर सकते हो। तो ये पीछे जो है बैकग्राउंड के लिए ये सिल्वर सी थी, इसमें जो है ना वो मतलब वो नहीं था शाइनिंग वाला पेपर, उसको कट करके बनाया हुआ था वो था। उसके बाद इस पैकेट के अंदर ये टेप थी जिसके अंदर आप बैलून्स को जो है वो करके विद एयर उनको फिल करके जो है ना वो लगा सकते हैं, और साथ में अल्फाबेट्स थे हैप्पी बर्थडे के, ठीक है। और 20 अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो छोटे बैलून्स थे ग्रे और पिंक कलर के, और ना साथ में दो पिंक बड़े शाइनी बैलून थे और एक बड़ा सिल्वर बैलून था, ठीक है। ये ओके डिफरेंट शेप्स के थे, ये तो बहुत ही अच्छा सेटअप था। मतलब आप 375 रुपीज़ में आप आराम से एक मंगवाओ ये सेटअप, और इसको करके आप छोटी सी बर्थडे पार्टी जो है घर के अंदर अरेंज कर लो, ठीक है। तो ये भी मुझे बिल्कुल सही मिला था, मतलब मैं सेटिस्फाई थी इससे। उसके बाद जो है ना वो ये पैकेज है, ये इसमें जो है ना मुझे आई मैंने मंगवाई थी ट्राईपोड स्टैंड। तो ये ट्राईपोड स्टैंड जो है ना ये 7 फीट का ट्राईपोड स्टैंड था, और ये मैंने जिस सेलर से मंगवाया था ना वो है JM जदून या JM जडून, जो भी इसको आप प्रोनाउंस कर लें वो, और ये ना 1234 रुपीज़ में मैंने मंगवाया था विदाउट डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। तो इसकी अच्छी पैकिंग की हुई थी, शुक्र है कि मुझे ब्रोकन रिसीव नहीं हुआ था, बिल्कुल सही तरह से मतलब रिसीव हुआ था, कि टूटा हुआ नहीं था ना इसमें कोई मसला था, जब मंगवाया था वही प्रोडक्ट आया था। तो ये इसकी जो है ना वो रिंग लाइट है, और 26 सेंटीमीटर का इसमें था सर्कल, और साथ में जो इसका वो स्टैंड है उसको आप 7 फीट तक बड़ा कर सकते हो। इसी रिंग लाइट के अंदर जो है ना वो फ़ोन को करने के लिए ट्राइपॉड स्टैंड था, मतलब स्टैंड था, आप फ़ोन फिक्स करके आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं खोल रही थी कि शुक्र है कोई टूटा हुआ पैकेज नहीं मुझे रिसीव हुआ, और वही प्रोडक्ट था जो मैंने आया था। साथ में इसकी जो ना चार्जिंग के लिए केबल थी, जिसको आप अपने मोबाइल के चार्जर के साथ जो है ना वो लगा के चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं खोल कर दिखा रही हूँ, और यहाँ पर जो है ना इसका स्टैंड, इसको मैं ओपन करी हूँ। स्टैंड जो है वो मेटल का था, ठीक है, स्टील का, और लाइट जो जैसी होती है नॉर्मल वैसी होती है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको उन्होंने बबल रैप में भी रैप किया हुआ था, और ये बड़ा हुआ कि अच्छी बात थी कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ना ये टूटा नहीं था पैकेट बिल्कुल भी। दराज 11/11 सेल की बहुत ज़्यादा हाइप थी, तो इसे तो मैंने कहा चलो मैं भी दराज से जो है ना फर्स्ट टाइम ऑर्डर करके देखती हूँ कि कैसे प्रोडक्ट्स आते हैं और किस तरह का दराज का है। तो मैंने इस तरह कहा था कि डिफरेंट आपने जैसा एक चीज़ लेने में, मैंने जिस तरह से ट्राईपॉड स्टैंड लेना है, तो मैंने इसके डिफरेंट सेलर्स के रिव्यूज़ देखे थे, जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ थे या जो टॉप रिव्यू सेलर्स हैं वहाँ से मैंने भी इसको ऑर्डर किया था। तो इस तरह आपको जो है ना आपने जब भी ऑर्डर करना हो पहले रिव्यू देखा करें चीज़ों के, जिसके ज़्यादा अच्छे रिव्यू होते हैं ना वहाँ से आप चीज़ ऑर्डर किया करें, ठीक है। तो ये मैं इसकी लाइट्स चेक करी थी, ये इसका स्टैंड है जो सेंटर में फ़ोन को उसमें लगा के आप
वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। और उसके बाद जो है रिंग लाइट है, इसके भी तीन कलर से, एक येलो कलर था, एक वाइट था और एक ब्लूइश शेड में था, ठीक है, नेचुरल शेड में था और एक ब्लूइश था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका कलर चेक कर रही थी कि ये भी सही आ गया था, ठीक है। और आप भी ना जब चीज़ लिया करें तो साथ में उसको लाजमी रिव्यू दिया करें, क्योंकि हम जिस तरह लोगों के रिव्यू देख के चीज़ बाय करते हैं प्रोडक्ट, तो इस तरह लोग भी जो है ना वो हमारे रिव्यूज़ देख के प्रोडक्ट बाइंग करेंगे ना, तो इसलिए आप रिव्यू दिया करें कि ये अच्छी चीज़ आई कि अच्छी चीज़ नहीं आई। ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा दिखा रही हूँ कि 7 फीट की इसकी हाइट है, मेटल का इसका पूरा स्टैंड था और ऊपर रिंग लाइट थी, तो ये भी बिल्कुल सही आई थी। उसके बाद हम देख खोलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। हाँ, इसके अंदर जो है ना वो है मस्कारा और कंसीलर। तो ये रिवाज का मैंने मस्कारा और कंसीलर दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो लिए थे, और ये मैंने जिस सेलर से लिए थे वो रिवाज यूके का ही पेज था ऑफिशियल, वहाँ से मैंने लिए थे। और रिवाज का जो मस्कारा था ये 266 रुपीज़ का था विदाउट डिलीवरी, ब्लैक कलर का था। और जो रिवाज का कंसीलर था वो 228 रुपीज़ का था विदाउट डिलीवरी, ठीक है। जो मैंने कंसीलर ना वो मैंने मंगाया था 001 शेड, ये मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि जो आइस पे आपने कंसील करना होता है ना, तो उसके लिए हमें अपनी स्किन से 1 या 2 टोन लाइटर ही चाहिए होता है कंसीलर, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपके जो वो एक तो आपके डार्क सर्कल्स से ऐसे कंसील हो जाते हैं, दूसरा ये कि जब आप उसके ऊपर आई शेडो प्रोडक्ट लगाते हैं ना, तो वो फिर आपके पिगमेंट्स है ना उसी तरह से पॉप आउट होते हैं, वरना आप अगर डार्क कलर का कंसीलर लगाओगे ऊपर तो फिर उसके ऊपर पिगमेंट्स हैं उसी तरह से पॉप आउट नहीं होते। तो अब मैं मस्कारा जो कंसीलर है ना वो भी इसी तरह से सील पैक था प्लास्टिक के अंदर, यूज प्रोडक्ट नहीं आपको मिला था, ठीक है। और जो मैं मस्कारा खोल रही हूँ वो भी इसी तरह से पैकेट के अंदर पैक था। और इसके मैं वॉन्ट्स वगैरह चेक करी थी कि ये भी बिल्कुल सही था, क्योंकि अमूमन जब ऐसा होता है कि हम जब लोकल शॉप्स के पे जाते हैं ना, तो वो हमें जो दिखा रहे थे वहाँ पर टेस्टर अलग से नहीं होता कि आप उसमें चेक करें और फिर आपको बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट मिले, वो उन्होंने ओपन ही किए होते हैं सारे प्रोडक्ट्स और वो आपको वही दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये बात अच्छी लगी कि सारे प्रोडक्ट्स हैं ना वो सील पैक थे, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है उसको खोल के देखते हैं। तो इसके अंदर जो है ना मुझे वो मैंने ऑर्डर की थी आई शेडो पैलेट्स, ठीक है। तो ये एक आई शेडो पैलेट है जो कि थी नोटी 18 कलर न्यूड शाइनिंग पैलेट थी, होता ब्यूटी की ये ड्यूब थी, और ये जो है ना मुझे 600 की मिली थी विदाउट डिलीवरी, 599 रुपीज़ की, ठीक है। और मैंने मंगवाई थी अमाबा स्टोर की तरफ से, अमाबा स्टोर, ठीक है, वहाँ से मैंने ऑर्डर की थी। और ये इसमें जो है ना मोस्टली न्यूड कलर्स थे, जिसे अपना इजीली जो है ना वो एवरीडे मेकअप और नो मेकअप मेकअप लुक पूरा कर सकते हैं। और इसमें थोड़े से बिल्कुल लाइट से ग्लिटरी मेटालिक शेड से जो वो जो होते हैं ना बड़े बड़े चंक्स वाले ग्लिटर, वो ही थे इसमें, मतलब इसमें सारे कलर से आपके पास वो आए थे जो आप इनको आराम से इजीली जो है ना वो कैरी कर सकते हैं, और डिफरेंट ड्रेसेस आप मेकअप को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको स्वैच करके देख रही थी इसके पिगमेंट्स को, इसके पिगमेंट्स काफ़ी जो है ना वो मतलब इसके जो कलर्स हैं काफ़ी पिगमेंटेड थे। अमूमन ऐसा होता है कि आप जब लोकल आई शेडो पैलेट्स लेते हैं ना या ड्यूब्स सब लेते हैं, तो उनके जो कलर्स होते हैं ना वो इतने पिगमेंटेड नहीं होते, लेकिन इसमें जो है ना वो ऐसा कोई मसला नहीं था। इसमें कलर्स है ना शुक्र है सही पिगमेंटेड थे, मतलब अगर आप बिगनर हैं और आपके पास अभी इतना नहीं है कि आप ज़्यादा हुदा ब्यूटी की ओरिजिनल पैकेट जो है मतलब पैलेट्स आप अफोर्ड कर सकें, या आपके पास अभी इतना आप चाहते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे किसी महंगी पैलेट के ऊपर, तो आप इजीली ये पैलेट ऑर्डर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसके पिगमेंट से भी ऐसे ही आप इजीली अपना स्टार्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है। उस पर जो है ना ये सेकेंड पैलेट है, फिर ये मैंने मंगवाई थी ब्यूटी ग्लेज्ड की, 60 कलर्स इसमें थे मेट आई शेडोज, ठीक है, मेट आई शेडोज थे। ये मुझे आई थी 1028 रुपीज़ की, और ये मैंने मंगवाई थी द वन मोर सेलर से, ठीक है। इसमें ना 4 मेनली ना पार्टीशंस टाइप थी, ठीक है, मैं खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें इसके पीछे मैं अभी सील ओपन कर रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सील आई थी, ये बात अच्छी लगी थी कि प्रोडक्ट्स ना बिल्कुल सील आए थे, ओपन नहीं थे। कलर बोर्ड की थी ये आई शेडो पैलेट, इसके अंदर ना 4 पार्टीशंस थी, और हर पार्टीशन में ना एक उस तरह के स्पेसिफिक शेड में कलर्स थे, ठीक है। तो अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ यहाँ पर, या मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस कंपनी की मंगवाई है और किस तरह से है। अब हम इसको ओपन करते हैं, देखें सबसे पहले जो है ना इसके ऊपर ये पर्पल शा है, पर्पलिश सी है, उसके अंदर ना ब्लूइश
और स्किन से हैं, मतलब आप पूरा एक अपना आई मेकअप लुक से क्रिएट कर सकते हैं। उस पर सेकेंड नंबर पे पीची और ब्राउनिश से हैं, और थर्ड नंबर पे जो है ना वो ग्रीनिश सा आप से आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, और फोर्थ नंबर पर जो है ना वो पर्पलिश सा, मतलब इसमें फोर आप डिफरेंट आई मेकअप लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सारे कलर्स हैं, और आई मेकअप जो है वो न्यूड भी आप कर सकते हैं, ग्रीन ड्रेस, ब्लू ड्रेस, पर्पल ड्रेस, पिंक ड्रेस, जो भी आपने जिस तरह से भी इसको कैरी करना है ना आप इसका मेकअप कर सकते हैं। इसमें मैट आई शेडोज भी थे, मेटालिक भी थे, और ना ग्लिटरी भी थे, और जो ग्लिटर थे ना वो प्रेस ग्लिटर्स वाले थे, मतलब इसमें आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई शेडो ग्लू जो होती है ना वो आप उसको आराम से भी कर सकते हो यूज़। ठीक है, तो मैं आपको स्वैच करके दिखा रही हूँ कि इसके भी शेड्स काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड थे। ठीक है, ये हो गया, तो अब ये भी पैलेट है ना वो 10 out of 10 थी, मतलब इसकी कोई ऐसी बैड स्मेल भी नहीं थी कि आपको किसी कहो कि बहुत ही लोकल या चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट है, और पिगमेंट्स भी इसके बिल्कुल सही थे। ठीक है, तो इसके बाद हम ये खोलते हैं एपिलेटर, जो मैंने मंगवाया था फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर एपिलेटर। ठीक है, ये 369 rupees का था विदाउट डिलीवरी, और डिलीवरी चार्जेस के साथ ना ये मुझे पड़ा था 499 rupees का, मतलब 500 rupees का। ठीक है, ये मैंने मंगवाया था वर्चुअल विक्ट्री सेलर से। ठीक है, तो इसमें ये एपिलेटर था, सेल जो है ना वो मुझे इसमें रिसीव नहीं हुआ था, सेल मैंने अपना खुद डाला है, और ना उस पर जो है ना ये ब्रश था। एपिलेटर मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ, इस तरह आप इसको नीचे से खोलेंगे ना तो फिर यहाँ पर अंदर एक सेल डालेंगे, ये सेल मैंने खुद डाला था, आप कोई भी नॉर्मल सेल जो है ना वो इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसको इस तरह ओपन करेंगे, जो आपको बटन से बता रही हूँ हाथ से, फिर इसमें लाइट ऑन हो जाएगी, और सब में एपिलेटर जो है ना वो मशीन ऑन हो जाएगी, इससे आप अपने फेशियल हेयर्स रिमूव कर सकते हैं आराम से। ठीक है, उस पर जो है ना ये ब्रश है, इसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने खोल के ब्रश को, ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं इसको अंदर से जो आपने हेयर्स रिमूव किए हैं ना उनको साफ़ करने के लिए। ठीक है, ये हो गया, ब्रश हो गया और एपिलेटर हो गया, मतलब ये भी मशीन बिल्कुल सही थी। आप अगर इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे, आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप आराम से जो है ना ऐसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सेलर मैंने आपको बता दिया कि मैंने कहाँ से मंगाया था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पैकेट, इसके अंदर जो है ना वो ये आई है न्यूड आई पेंसिल, ये मैंने मंगवाई थी मिस रोज़ की न्यूड अंडर आई वाटर लाइन पेंसिल। ठीक है, ये जो है ना मैंने मंगाई थी द आई शाह सेंटर सेलर से। ठीक है, और ना ये मुझे मिली थी 235 rupees की विदाउट डिलीवरी। ठीक है, और ये न्यूड आई शेडोज थी, क्योंकि आप एक तो होते हैं ना आप तीन कलर की नॉर्मली आप यूज़ करते हैं अंडर आई पेंसिल, तो एक होती है ब्लैक जिसे आप काजल भी कहते हैं, और एक होती है वाइट, आप वाइट भी यूज़ करते हैं अपनी आईज़ को बड़ा दिखाने के लिए, और स्किन भी यूज़ करते हैं न्यूड भी, लेकिन वाइट जो है ना उससे ये होता है कि आपकी आईज़ बहुत ही अननेचुरल लुक आता है उनका, लेकिन अगर आप न्यूड आई पेंसिल यूज़ करेंगे ना तो इससे आपकी आईज़ भी वाइड लगती है, मतलब बड़ी खुली हुई लगती हैं, और दूसरा ये कि उससे बहुत ही नेचुरल लुक भी आता है। तो मैं आपको खोल कर दिखाई थी कि मिस रोज़ की थी, और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, मतलब मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स जो ये पेंसिल है इससे आप इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको हम ये नेक्स्ट पैकेट खोल रहे हैं, इसके अंदर जो है ना ये मुझे मैंने मंगवाए थे ब्रशेस, और साथ में जो है ना वो मिस रोज़ का लिक्विड आई लाइनर और मिस रोज़ का ही कंसीलर। तो सबसे पहले मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ मिस रोज़ का कंसीलर, ये मैंने ऑयल फ्री मंगवाया था। ठीक है, 187 rupees का था विदाउट डिलीवरी चार्जेस, और मैंने मंगवाया था हैंग फैंग पेज से। ठीक है, मतलब सेलर से। तो अब इसको, ये भी सील पैक था, इसकी मैं आपको सील खोल कर मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद अंदर से मैंने मंगवाया था 02B02 शेड में। ठीक है, मैं इसको ओपन करके दिखा रही हूँ कि इसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी अप्लाई करके इसकी भी अच्छी पिगमेंटेशन थी कि आप इसको मतलब डेली मेकअप के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर अपनी अगर आपकी माइल्ड या मॉडरेट पिगमेंटेशन है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं खोल कर दिखा रही हूँ मिस रोज़ का लिक्विड आई लाइनर, जो कि मैंने मंगवाया था 289 rupees का। ठीक है, ये भी मैंने उसी हैंग फैंग वाले पेज से मंगवाया था, और इसके ना ये मार्कर आई लाइनर है, इसके एक तरफ जो है ना वो बना हुआ है ट्राइंगल सा, जिससे आप अपना एंगल ड्रॉ करते हो विंग आई लाइनर के लिए, विंग ड्रॉ करते हो, और एक तरफ जो है ना इसके सिंपल आई लाइनर है, जिससे आप अपनी विंग जो है ना जो आपने ड्रॉ किया उसको आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी आईज़ के साथ। ठीक है, क्योंकि ये मार्कर आई लाइनर था तो इसलिए ईजी टू यूज़ था, जो बिगनर्स हैं वो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसका दिखा रही हूँ कि अच्छी इसमें मतलब इंक भी थी और सही तरह से ये ड्रॉ भी करा था, ड्राया नहीं था ये बिल्कुल भी। ठीक है, अब मैं खोल कर दिखाती हूँ इसके ब्रशेस जो है ना मैंने मंगवाए थे प्रोफेशनल मेकअप 23 pieces ब्रश सेट से। ठीक है, ये मुझे मिले थे 999 के, मतलब 1000 rupees के विदाउट डिलीवरी, और डिलीवरी चार्जेस जो है ना वो उसके लिए समझ याद नहीं है। ठीक है,
तो ये भी मैंने वहीं से मंगाए थे हैंगफेंग वाले पेज से, और इसमें ना 23 पीसेस बचते थे, ठीक है। लेकिन ना मुझे इनकी क्वालिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब अगर आप बिगनर हैं तो फिर आप इसको ले लें, लेकिन इस ज़्यादा मुझे ये अच्छे नहीं लगे क्वालिटी वाइज, ठीक है। और इनमें ज़्यादातर जो आई शेड और ब्रशेज थे ना वो बिल्कुल सिमिलर ही थे। मतलब इसमें फ्लफी ब्रश नहीं था मुझे मिला, और बाकी कंट्रोल ब्रश नहीं था, स्लिपलिंग ब्रश नहीं था, और इस तरह के बहुत से ब्रशेज नहीं थे। यहाँ मैं आपको इसके ब्रिसेस चेक करवाई हूँ, जो इसके वो थे ना हेयर्स ब्रिसेस जो थे वो इसके सॉफ्ट थे, फाइन थे, लेकिन ना बहुत ही पतले से थे। मतलब ज़्यादा अंदर नहीं थे इसके, जो ब्रश के अंदर हेयर्स होते हैं ना वो ज़्यादा नहीं डाले हुए थे, कम डाले हुए थे। तो इसलिए मुझे इतना पसंद नहीं आया ख़ास ये ब्रश सेट, ठीक है। बाकी जो इसका पाउच था ना वो लेदर का बना हुआ था, तो इस तरह से सही था कि 1000 रुपीज़ में आपको लेदर का पाउच मिल रहा है और 23 पीसेस ब्रशेज मिल रहे हैं। लेकिन मुझे वैसे पर्सनली इसकी क्वालिटी ना इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ टमी ट्रिमर मशीन, ये जो है ना मैंने मंगवाई थी के ब्यूटी से, ठीक है। के ब्यूटी पेज था वहाँ से मैंने मंगवाई थी, और ना ये 434 रुपीज़ की ना विदाउट डिलीवरी मुझे आई थी, ठीक है।